हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। तो यार कल रात कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास गया है, वहीं क्लोज हुआ था। और आज मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे है, बट एसजीएक्स निफ्टी काफ़ी नीचे दिखा रहा है, 18,000 के नीचे। आई थिंक 60-70 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो सकता है। बट जिन्होंने कन्विक्शन के साथ 18,000 के ऊपर किसी भी लेवल पे कंजर्वेटिवली लिमिटेड रिस्क लेके भी ट्रेड लिया है विथ ए व्यू के मार्केट लोअर हाई लोअर लो मारेगा, उनके लिए आज रिवॉर्ड का टाइम है। ठीक है, बाकी सब लेट लतीफ़ आएंगे, अब शॉर्ट करेंगे और मतलब इंट्राडे में मार्केट हमेशा निकालता ही है शॉर्ट सेलर्स को। तो ये है कि आप एक दो कदम आगे हो बाकी सबसे, अगर आपने कन्विक्शन के साथ मतलब आप अगर मेरे ट्रेड्स देख रहे हो तो। ठीक है, देख लेते हैं आज क्या हो सकता है। ठीक है भाई, एसजीएक्स निफ्टी अराउंड 50-60 पॉइंट्स डाउन है। और आप ये देखो तो यूएस मार्केट कल आई थिंक 4710 के आसपास था, ये हल्का फुल्का नीचे आ रहा है। ठीक है, नैसडेक अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है, विक्स S&P विक्स इस पर बोलता हूँ मैं अभी, इस पर नज़र रखो, ये हाई पर ही है। यूएस मार्केट यूरोप मार्केट ठीक ठाक स्ट्रांग ही है। ठीक है, मतलब कुछ खास करेक्शन नहीं दे रहे जितना SGX दिखा रहा है। ब्राज़ील की तो लगी पड़ी है काफ़ी टाइम से। ठीक है, ये भी रेंज में ही है, बट आज के दिन हल्के फुल्के नेगेटिव ही है एशियन मार्केट्स। इस पे ज़रूर ऑस्ट्रेलिया पे नज़र रखो, क्योंकि पिछले 3 या 4 महीने में अलॉन्ग विथ इंडिया इस ये एक आउट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है ग्लोबली। ठीक है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है और आज अच्छा खासा डाउन है। तो हो सकता है एक FIIs अगर और इंटेंसिटी से पैसा निकालें इंडियन मार्केट से, तो हम भी 1-2% कुछ नीचे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, और सिंगापुर कोस्पी ये सब काफ़ी नीचे हैं और हमको कैचअप करना है बस। ठीक है, एकदम रेडी है अपना मार्केट नीचे जाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा एक्शन हो। मुझे लगता है जिस हिसाब से S&P फ्यूचर्स US फ्यूचर्स चल रहे हैं, एक अच्छा खासा सेशन सेलिंग का मिल सकता है। अब अगर डिस्काउंट कर ले गैप डाउन में अच्छा खासा तो अलग बात है, बट देन कॉल रेटिंग इज सेफ भाई। ये देखो यार, US डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 96 पे आ गया है। ठीक है, ये मैंने वीकली इसका लगाया है, तो पिछले 2 हफ्ते में ज़बरदस्त राइज मारा है और हम वहीं पर ही हैं। 2 हफ्ते हमने कुछ खास करेक्शन नहीं दिया है। ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अपना इम्पैक्ट धीरे धीरे जमाते हैं, लेकिन बहुत तगड़ा जमाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ो, US डॉलर इंडेक्स जब ये ऊपर जाके अगर ये नीचे भी आएगा या रेंज में रहेगा, लेकिन हमारे मार्केट्स करेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, ये पूरा स्टडी करो, जब कोविड क्रैश आया था तब से मार्केट्स ने कैसा बिहेव किया। एक ये चीज़ ज़रूर देखने वाली है कि जो लेवल्स में हम हैं लास्ट टाइम, वो लेवल्स में हम जुलाई 2020 में थे। ठीक है, जुलाई 2020 में निफ्टी कहाँ पर था? आई थिंक 11,000 के नीचे था। ठीक है, अभी हम 18,000 पे हैं, तो अगर आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भाई गुड लक। हुआ तो मैं आपके लिए हवन वगैरह कुछ करूँगा, बट देर सवेर जो है इसको इम्पैक्ट अपना ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक है, ये जो हम पूरे दुनिया से अलग हट के जो गए हैं, ये इसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये जो लाखों करोड़ में शायद डीमेट अकाउंट खुले हैं लॉकडाउन में, और इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, वो एक्चुअली इन्वेस्टिंग जो थीम चल रहा है ना मार्केट में, वो इन्वेस्टिंग, लोगों में इन्वेस्टिंग का पेशेंस बहुत कम होता है भाई। पता
पूरी जनता को अगर लेना तो शायद 5% लोग ऐसे मिले जिनमें इन्वेस्टिंग का पेशेंस है। ये लोग सिर्फ मार्केट के क्विक रिटर्न्स देख के आ रहे हैं कि यार इन्वेस्टिंग तो बहुत अच्छा है, इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा है। एक पीरियड था हर्षद मेहता स्कैम के बाद, 10 साल मार्केट उसी रेंज में रहा, ठीक है, अच्छे। 10 साल कितना होता है इंसान का मैच्योरिटी के बाद, 1/5 ऑफ लाइफ स्पैन, वो चला गया भाई आपका, आपको कुछ रिटर्न नहीं मिले, ठीक है। इवन रिसेंटली अगर लो तो जब लीमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था, उसके बाद से मोदी रैली आने तक, मतलब 2008 से 2014 तक क्या दिया मार्केट ने, वही 6,000 के आसपास घूमता रहा, कोई रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करके लोग आ रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये लालच में आ रहे हैं कि यार मार्केट 12 से 18 हो गया, लॉन्ग टर्म में तो बढ़ता ही बढ़ता है यार, तो मुझे क्या करना लॉन्ग टर्म से, मेरा तो अभी 1-2 हफ्ते में दुगुना हो जाए पैसा बस, ठीक है। एनीवेज उस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, बट आप ये देखो जब 11,000 था तब डॉलर इंडेक्स ये था, हम किसी भी दिन भाई बहुत अच्छे तगड़े पहले पहले जा सकते हैं, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, जब से 18,600 से मार्केट ने कुछ प्राइस एक्शन दिखाया रिवर्सल का, तो इसको हल्के में मत लो भाई, है ना। डॉलर इंडेक्स 11,000 के नीचे था निफ्टी जब डॉलर इंडेक्स 95-96 था, तो इवन हम अगर उसका 50% भी रिट्रेसमेंट मार लें तो वो बहुत बड़ी बहुत बड़ा एक निफ्टी पे मूव है। हाँ भाई, तो आज क्या देख सकते हैं, ये देखो यहाँ सपोर्ट से, इसके बारे में कल के वीडियो में बात की है, बट आज क्या देख सकते हैं, आज मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस लगाए हैं। 10 DA में 17,984 का है, ये अब बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, ठीक है। अभी ये अच्छा खासा 18,200 और ये 17,984, 10 DA में, 20 DA में, जब जब टच करे, अगर आप ये दोनों 10 DA में 20 DA में की लाइन है, देखो मार्केट ने पूरे अप ट्रेंड में यहीं पर सपोर्ट लिया है, ये इसके आसपास ही घूमता रहा है, ठीक है। आया नीचे 10 DA में, 20 DA में टच किया ऊपर, फिर टच किया फिर ऊपर, फिर टच किया ऊपर, टच किया ऊपर, ठीक है। तो अब ये अगर ट्रेंड रिवर्स होना है तो जब जब ये टच करेगा 10-20 DA में, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो भाई कल US मार्केट में इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है वो मैं बता देता हूँ। एक चीज़ ने मुझे बहुत सक्सेस दी है, वो बहुत सिंपल चीज़ है, वो मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं है, बस ये है कि हर कोई ट्रेड नहीं कर पाता है, या चीज़ या वो इंडिकेटर्स काम ना करें तो लोग अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो सिंपल सा मेरा इंडिकेटर जिसने मुझे ऑप्शन राइटिंग में अच्छा खासा पैसा दिया है वो है RSI डाइवर्जेंस, ठीक है। अगर आप ये हाई देखो S&P का डेली कैंडल्स हैं, ये 5 नवंबर को हाई बनाया था US ने, फ्यूचर्स ने 4718, ठीक है, कब, 5 नवंबर को, आज है 16 नवंबर, मतलब कल का सेशन 16 नवंबर, ठीक है, वहीं गया 4714, उसी के आसपास वही लेवल है, लेकिन RSI उस दिन था 76.38 और कल RSI आया 60, तो मार्केट तो वहीं पर ही है, लेकिन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मार्केट की वो लूज हो रही है, वीक हो रही है, एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है रिवर्सल का, ठीक है। मतलब जो बाइंग का मोमेंटम है वो वीक हो रहा है, जो जो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही थी बैक टू बैक, वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक हो रही है, तो ये फर्स्ट साइन होता है रिवर्सल का, और यहाँ पे एटलीस्ट कॉल राइटिंग हमेशा सेफ रहती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट RSI के टर्म्स में US मार्केट में हुआ है। मैं यार कुछ और चीज़ भी बताने वाला था, पता नहीं क्यों भूल गया, इसी से रिलेटेड जो भी है, मतलब हाँ ये शायद बताने वाला, इसके बारे में पढ़ो, ADX, ठीक है, ये वापस 20 के नीचे आ गया है, तो ये मैं होमवर्क देता हूँ, इसके बारे में पढ़ो, ADX का शॉर्ट टर्म रेलेवेंस क्या होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ADX अगर लोगों ने पहली बार सुना हो, इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है। तो ये पढ़ो आज,
और सिर्फ ये मत सोचो कि वाइस ट्रेडर बल्लम है, ये बोलेगा तो हम कॉल राइटिंग करेंगे और ये बोलेगा तो पुट राइटिंग करेंगे। एक दिन लंबे पेल दी जाओगे। और सोशल मीडिया पे क्या है, आपका व्यू सही हो जाए तो आप स्टार बन गए, और व्यू सही ना हो तो गालियां देती है पब्लिक। तो ये सब कोई मतलब नहीं है। कल कुछ ट्रेड्स लिए थे सही टाइम पे, जब 18-200 से काफ़ी नीचे आ गया मार्केट। ये सब प्रीमियम्स मेरे ख्याल से हो सकता है आज ही सिंगल डिजिट में भी दिख जाएं। ठीक है, तो ये टाइम आ गया प्रॉफिट बुक करने का। आज हुआ तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, आज शिफ्ट करूँगा पोजीशन। होल्स होल्स कराए थे अभी भी, कॉस्ट में या लॉस में ठीक ठाक लोग हैं, मोस्टली कॉस्ट में ही होंगे। क्यों? क्योंकि 18,000 के नीचे जब था मार्केट तब वेट नहीं किया होगा, वो जो मैं बोलता हूँ ना धोनी की तरह खेलो, सिक्स मारने के बाद सिंगल लो, बहुत लोगों के कंट्रोल के बाहर रहता है, उतना पेशेंस होता नहीं है। जितना पैसा है सब लगा दिया होगा 18,000 के नीचे, और अब जैसे तैसे पोजीशन होगी कॉस्ट में आई होगी या माइनर लॉस में आई होगी। ठीक है, तो जो भी लोग इस ब्रैकेट में हो वो ये चीज़ ध्यान रखो, सिक्सेस मारने के बाद सिंगल लो, सिंगल लो और अगली लूज बॉल का वेट करो, जैसे मैंने किया जब 250 पॉइंट की रैली दी थी मार्केट ने। उस दिन उसके पहले ही मैं बोल रहा था आज बिल्कुल कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं, लो पोजीशन साइज, लो पोजीशन। जैसे ही मार्केट ने 18,200 से रिवर्सल देना शुरू किया, वहाँ पे फिर से बैठ गए ये सब, फिर से चौके छक्के मार दिए लूज बॉल मिली तो। ठीक है, पेशेंस रखो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो। ठीक है, फिर भी काफ़ी लोग, 34% लोगों ने 10,000 से ज़्यादा बना लिया और ठीक ठाक, हालांकि मार्केट रेंज में ही रहा, तो ये कुछ लोगों ने 50 भी बनाया, कुछ ने 1 लाख भी बनाया। ठीक है, ठीक है यार, देखते हैं कैसा ओपन होता है मार्केट। बट ये अगर ड्यूरिंग द डे नीचे जाते रहे तो हम को अगला लोअर लो अगर बनाना है तो हमको ये देखना है 17,600 तोड़ना चाहिए। अभी ये सारे लो जो बने हैं ना, ये इस रेंज में, ये हर एक लो इम्पोर्टेंस रखता है। मार्केट हर लो तोड़ेगा तो नई फ्रेश सेलिंग आएगी। बट 17,600 अगर मार्केट को लोअर हाईज लोअर लोज बनाने हैं तो 18,600, 18,300, 18,200, इसी तरह 17,600 के नीचे कहीं एक हाई बने। और अल्टीमेटली जो मैं बोल रहा हूँ कि 16,700 के आसपास जो गैप है वहाँ पे मार्केट काफ़ी जल्दी आ जाना चाहिए यहाँ पर, बट देखते हैं। ठीक है, व्यूज़ अपनी जगह हैं, यहाँ पे मुझे कहीं मार्केट रैली करता दिखा वापस, और ये जो पुराना सपोर्ट हुआ करता था वो अब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्रॉस करता दिखा, स्टेबल दिखा, तो भाई मैं बैंक निफ्टी की पुट राइटिंग में चढ़ जाऊँगा आने दो, 19,000, 20,000। ठीक है, व्यूज़ अपनी जगह हैं, आप अपना अकाउंट के साथ क्या करते हो वो अपनी जगह। चलो यार, गुड लक। और जो लोगों ने पेशेंस रखा, धोनी की तरह खेला, आज टाइम है उसके रिवॉर्ड बुक करने का। तो देखते हैं, मतलब कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मार्केट ने हमें ट्रेंड पकड़ लिया है, और थोड़ा सा ये सपोर्ट कर देना यूएस फ्यूचर्स तो हम अपसाइड तो काफ़ी लिमिटेड ही रहेगी। और इवन मैं सोच रहा हूँ 18,200-300 पे जो कॉल राइटिंग की थी उसमें प्रॉफिट बुक करके मैं एग्रेसिवली 18,000 पे शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, मुझे लगता नहीं 18,000 को मार्केट बहुत जल्दी टाटा गुड बाय बोलने वाला है, और ये मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट 18,000 शायद 1-2 साल नहीं दिखेगा। उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, 1 मिनट वाला, ठीक है, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो उस पर मैं अलग बनाऊँगा। ये सब मैं टाइमली वार्निंग तब दे रहा हूँ जब लोग शॉर्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, सही टाइम पे सही चीज़ बोलना ज़रूरी है, बाद में मतलब यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ट्रेंड के हिसाब से चलो तो एडवर्टाइजिंग अच्छी होती है, वो सब अच्छा होता है, बट मेरा प्रिंसिपल है सही टाइम पे सही जगह सही बात करो। जब मार्केट क्रैश हुआ था 8,000 पे, मैं रोज़ बोलता था बाय कर लो, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बाय कर लो। ठीक है, तब कौन, किसकी हिम्मत होती थी? किसी की नहीं होती थी, सब 6,000 के टारगेट दिए जा रहे थे।
आज वही सीन है सब, 19,000 20,000 इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म में तो मार्केट देता ही है, और ये वो फलाना ढिमका। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 18,000 शायद मार्केट कुछ साल ना दिखाए। चलो यार वीडियो क्लोज करता हूँ, ऑल द बेस्ट।